आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HP के स्मार्ट टैंक 530 ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इस प्रिंटर में कुछ खास ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें जो डिस्प्ले मिलेगा वो टच स्क्रीन मिलेगा, एलेक्सा वॉइस मिलेगी और ADF मिलेगा, और ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SM टेक्नो गुरु में। मैं हूं सुनील मौर्य। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम डेली टेक्निकल से रिलेटेड नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्रिंटर के बारे में। जब HP के 530 प्रिंटर को आप खरीदेंगे तो इसके साथ चार कलर इंक बॉटल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ दो ब्लैक इंक बॉटल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो बॉटल की कैपेसिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे ब्लैक जो बॉटल है उसका कैपेसिटी है 135 ml, और जो तीन कलर मिलेंगे जैसे कि सियान, मैजेंटा और येलो, ये सारे बोतल यानी कि ये तीनों बोतल 70 ml के मिलेंगे। ब्लैक इंक बोतल से 6000 पेज ब्लैक एंड वाइट पेपर प्रिंट कर सकते हैं और कलर से 8000 पेज प्रिंट कर सकते हैं। ब्लैक बोतल का जो मॉडल नंबर है GT53XL है, और कलर का मॉडल नंबर है जो मैजेंटा, सियान और येलो में यूज होता है उसका जो मॉडल नंबर है वो GT52 है। अब बात आती है कि इस इंक को कैसे रिफिल किया जाता है। तो इसका रिफिल करने का बहुत ही आसान तरीका है, ढक्कन ओपन करके बस उल्टा उस पर लगा दीजिए, ऑटोमेटिक यह इंक टैंक में रिफिल हो जाएगी। और इन्वेस्ट की बात किया जाए तो जब ब्लैक एंड वाइट पेपर प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे 10 पैसा पर पेज पे इन्वेस्ट होगा, और जहाँ कलर पेज प्रिंट करेंगे वहाँ पे 21 पैसा पर पेज इन्वेस्ट होगा। अब इसके अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें ADF का सिस्टम दिया हुआ है। जनरली दोस्तों, जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं वहाँ पे मैनुअली सभी पेपर को स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद प्रिंट करना पड़ता है। यदि ज़्यादा पेपर होंगे, ज़्यादा पेपर को प्रिंट करना होता है या जीरोक्स करना होता है, तो बारी बारी से सारे पेपर को स्कैनर में रखा जाएगा और प्रिंट किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा खपत होगी। इसके लिए इसमें जो ADF सिस्टम दिया है, बहुत ही अच्छा ADF सिस्टम दिया हुआ है। ADF का मतलब ये होता है कि ADF का जो ट्रे है ऊपर रख दीजिए, बारी बारी से हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और बारी बारी से प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस प्रिंटर में डुप्लेक्स प्रिंटर नहीं है, यानी कि दोनों साइड नहीं प्रिंट करेगा, सिर्फ सिंगल साइड ही प्रिंट करेगा। अब बात आती है पेपर ट्रे की। इस प्रिंटर में एक ही ट्रे दिया हुआ है पीछे के साइड, जिसमें 35 पेज एक साथ रख सकते हैं। इस प्रिंटर में A4, B5, B6, DL, DL envelope और लेटर साइज के पेपर आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इस प्रिंटर की स्पीड। तो दोस्तों, जब भी इस प्रिंटर से ब्लैक एंड वाइट अगर ड्राफ्ट में प्रिंट करते हैं तो 22 पेज पर मिनट प्रिंट करेंगे। यदि आप स्टैंडर्ड मोड में प्रिंट करते हैं तो 11 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कलर पेज प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे 16 पेज पर मिनट प्रिंट करेंगे ड्राफ्ट में, और स्टैंडर्ड मोड में जब प्रिंट करेंगे तो 5 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। अब बात आती है कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों, यहाँ पे वाईफाई के जरिए और हाई स्पीड 2.0 के जरिए वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ और Amazon वॉइस का इस्तेमाल करके आप इसे प्रिंट दे सकते हैं। वैसे तो Amazon Alexa का यूज कम ही लोग करते हैं, इसका ज़्यादातर कम यूज करता है, क्योंकि सभी के पास ये सिस्टम नहीं होता है। अब बात आती है यहाँ पे दो हमने बताया है कि वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि वाईफाई जहाँ पे जिस प्रिंटर में रहता है वो राउटर के थ्रू कनेक्ट होता है या फिर कोई ऐप की ज़रूरत पड़ती है, और वाईफाई डायरेक्ट होता है जो डायरेक्ट आपके वाईफाई यानी कि आपके मोबाइल से डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। ये अंतर होता है वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट में। अब बात आती है दोस्तों कि इस प्रिंटर की प्राइस। तो दोस्तों, इस प्रिंटर की जो प्राइस है 16,999 रुपये में यह आप ऑनलाइन या मार्केट से खरीद सकते हैं। दोस्तों, यदि ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से जाकर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यह प्रिंटर कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।